नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली के अंदर हम सब चीजें देखते हैं, लेकिन आजकल जब विवाह करने जाते हैं तो हम केवल एक चीज देखते हैं, लड़का और लड़की कितने पढ़े हुए हैं, कहां सर्विस कर रहे हैं, कितना बड़े से बड़ा उनका पैकेज है। इसके सिवाय हम और कुछ नहीं देखते, जबकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये अगर प्राप्त है तो हमें सब कुछ प्राप्त है। हम करोड़ों कमाएंगे तो भी शरीर को तो उतना ही चाहिए, वही दो रोटी जो है शरीर को चाहिए होती है। लेकिन व्यक्ति उन चीजों को देखता है, लेकिन और योगों को कुंडली के अंदर नहीं देखता। जैसे पुरुष की कुंडली है, विवाह करने से पहले उसमें ये देखना चाहिए कि ये चरित्रवान योग है या नहीं है। लड़की की कुंडली है तो उसमें ये देखना चाहिए कि पतिव्रता योग है या नहीं है। अगर ये हमने नहीं देखा, मात्र केवल ऊपरी ऊपरी दिखावा जो है हमने किया, तो जीवन नरक बन सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लेने का प्रयास करते हैं। जिसकी कुंडली के अंदर सप्तम स्थान शुक्र के नवमांश में मंगल बैठा हो और शुभ ग्रह उसको देखते हो, तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति, वो जो है स्त्री है तो पति परायणा होती है, पति की सेवा में तत्पर रहती है। और अगर पुरुष की कुंडली में है तो वो जो है अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार होता है। जिसकी कुंडली के अंदर सप्तम स्थान के अंदर बृहस्पति और शुक्र दोनों बैठे हुए हो, और चौथे स्थान के अंदर या फिर चौथे स्थान के अंदर शुक्र हो, तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो चरित्रवान होते हैं, स्त्री पतिव्रता होती है। लग्नेश एवं शुक्र ये साथ साथ हो और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो, तो इस योग में उत्पन्न स्त्री जो है वो पति की आज्ञाकारिणी होती है, और पुरुष की कुंडली में ये योग है तो वो पत्नी का पूर्ण रूप से ध्यान रखने वाला होता है। सप्तमेश अगर बलवान हो और गुरु के साथ में हो, और चतुर्थेश दो शुभ ग्रहों के बीच में हो, तो इस योग में उत्पन्न जातक धार्मिक स्वभाव का होगा और चरित्रवान होगा। सप्तमेश गुरु के साथ में, बृहस्पति के साथ में हो और सप्तम स्थान के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ हो और उस पर बुध या शुक्र की दृष्टि जा रही हो, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न स्त्री हो तो पति परायणा होगी और पुरुष हो तो वो पत्नी के प्रति ईमानदार होगा, चरित्रवान होगा। तो ये सारी जानकारियां कुंडली के माध्यम से हमको देखनी चाहिए। बाकी आपको जानकारी के लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, कार्यालय से अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो आप अर्पण करके और हमारी सेवाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।